ब्रॉक लेसनर एक ब्रेक लेंगे। डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर ब्रेक लेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन का नहीं। वो छोटे से ब्रेक के बाद फिर से कंपनी में रिटर्न करेंगे। उन्हें 7 अक्टूबर को होने वाले फास्टलेन के लिए एडवर्टाइज किया गया है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। काइरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर सकती है। पीडब्ल्यू इनसाइडर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काइरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर सकती है। डेव मेल्जर ने भी इस न्यूज़ को कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि काइरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में नवंबर में वापस आ सकती है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। समर स्लैम में इयो स्काई नई डब्ल्यूडब्ल्यूई वीमेन चैंपियन बन गई। फाइटफुल से लेके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समर स्लैम में इयो स्काई का सक्सेसफुल कैशिंग करना ये लास्ट मिनट बुकिंग डिसीजन नहीं था, ये पहले से ही प्लान किया गया था। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक के ओर। सेथ रॉलिंस ने समर स्लैम में अपना टाइटल रिटेन कर लिया। अब वो पेबैक में किसके खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करेंगे, इसको लेकर एक अपडेट सामने आया है। जीरो न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेबैक में सेथ रॉलिंस फिन बैलर और डेमिन प्रिस्ट के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। ये अभी लॉक नहीं है, लेकिन इस मैच को लेकर बात हो रही है। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते देखने के लिए धन्यवाद।